हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज से पहले आपको मैंने कभी नहीं कहा कि हमारी किसी भी वीडियो को शेयर करें, लेकिन आप लोग खुद कर देते थे। पर आज मैं आपको कह रहा हूँ कि इस हैशटैग को आपको हर एक जगह पे शेयर करना है, जिसमें हमारा मोटिव है JKSSB कंडक्ट एग्जाम ऑन टाइम। तो ये सब चीज़ें शुरू किस तरह से हुई, 11 जुलाई 2019 को आप लोगों के सामने एक इस तरह की एडवर्टीजमेंट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि 2000 वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। लेकिन 5 अगस्त 2019 को आप लोगों के सामने हमारी स्टेट में जो 370 था हमारा स्पेशल स्टेटस, या हम बात करें आर्टिकल 370, जो कि हटा दिया गया और हमारे यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। तो क्या उस सबसे फ़र्क पड़ा था जम्मू कश्मीर में एस्पिरेंट्स पे, तो हम उस पर बात करेंगे। 370 हटने के बाद इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, इंटरनेट नहीं होने की वजह से हम लोगों ने काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया और हम लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पाए आप लोगों के सामने। मगर 5 मार्च 2020 में लगभग 7 महीने के बाद एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें हमारी स्टेट में वापस से इंटरनेट एक्टिवेट कर दिया जाता है, लेकिन 2G स्पीड के साथ। और अप्रैल 2020 में ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो हम बात करें JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तरफ से रिलीज होती है, जिसमें सिलेबस को डिक्लेयर किया जाता है और तब से लेके सारा सिलसिला शुरू होता है। हमने तैयारी शुरू की, मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह से सिलेबस जो है वो आउट हो गया है और हम लोगों ने अपनी तैयारी को शुरू कर दिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर चीज़ें और अच्छी होती गई। 28 मई को 2020 में हम लोगों के सामने एक और आर्टिकल आता है, जिसमें कहा जाता है जो डोमिसाइल लॉ नया बनेगा उसके तहत 10,000 वैकेंसीज को फास्ट ट्रैक बेसिस पे कवर किया जाएगा और रिक्रूट किया जाएगा। और इसी के साथ ही हर एक बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल में ये आ गया था कि JNK में अब फास्ट ट्रैक बेसिस पे रिक्रूटमेंट होगी, जो 50,000 वैकेंसी सत्यपाल मलिक जी कह के गए थे। 6 जुलाई 2020 को वापस से एक चीज़ हमारे सामने आती है, जिसमें ये दिखाया गया कि JK पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होता है। बच्चों में उम्मीद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे टीम बनाई गई, और अगस्त 2020 में एक साल तकरीबन डेवलपमेंट के बाद हमारे सामने आता है कि हम लोग अब अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई में हम लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया, फॉर्म फिल किए। 31 अगस्त 2020 तक इसकी लास्ट डेट थी, और शॉकिंगली JKSSB ने सितंबर 2020 में ही एक टेंटेटिव कैलेंडर को भी आउट कर दिया, जिसके तहत बच्चों में खुशी थी, जो लोग काफ़ी देर से पढ़ रहे थे सबके सामने थी ये चीज़ें कि आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे अक्टूबर 15 से 20 में, और आज अक्टूबर 17 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन क्या आप लोगों के ये एग्जाम हुए? तो ये अब चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। अक्टूबर 2020 में ऐसा क्या हुआ जो ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने वैसी की वैसी रह गई? तो गवर्नमेंट ने कहा कि इलेक्शन होंगे 13,000 पंचायत सीट्स के लिए, जो कि बहुत बड़े बेसिस पे होंगे आफ्टर आर्टिकल 370 रिवोकेशन। तो यहाँ पे एक प्रेस रिलीज आई थी JKSSB की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि अभी एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन टेंटेटिव कैलेंडर आउट हुआ, इलेक्शंस अभी नहीं है। इलेक्शन कब है अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, तो ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से आपके एग्जाम नहीं हुए? तो हमारा मेन मोटिव बस यही है कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का काम है इस हैशटैग को हर एक जगह पे ट्रेंड पे लाने का, क्योंकि आप लोगों की सारी रिक्रूटमेंट इसकी वजह से रुक जाएगी, क्लास 4 हो या जो गैजेटेड या नॉन गैजेटेड हो, ये सब। तो अब आप लोगों का काम यही है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस हैशटैग को जितना हो सके उतना वायरल करें, ताकि आप लोगों का एग्जाम जल्द से जल्द हो।